आम आदमी पार्टी इस बार बुरी तरह फंस गई है और बीजेपी के प्रहार का जवाब आपके पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी के वार से आपके बरवोले सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। दरअसल देश के विपक्ष की एक बुरी आदत हो गई है कि वो मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुके हैं कि मोदी का विरोध करते करते कब देश विरोधी हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चल पाता है। पीएम मोदी की विदेशों में बढ़ती साख से घबराए विपक्ष ने मोदी सरकार का नया तिगरम ढूंढ निकाला है कि पीएम मोदी जो ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं उनकी छवि को विदेशी धरती पर ही धूमिल करो। लेकिन विपक्ष ये भूल जाता है कि मोदी विदेशी धरती पर 145 करोड़ भारतीयों के पीएम के तौर पर जाते हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे बनकर। लेकिन विपक्ष तो राजनीतिक दल का नुमाइंदा बनकर ही विदेशी धरती पर जाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी के बारे में अनर्गल बातें करते नजर आते हैं। हैदराबाद के भाई ओवैसी भाईजान कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज राहुल गांधी से लेकर देश की कथित सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी की नेता आतिशी तक सब मोदी विरोध में विदेशी धरती पर बात कर रहे हैं। लेकिन आतिशी के बारे में जब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात की गई तो वो भड़क गए। क्या कुछ कहा उन्होंने बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इस समय आम आदमी पार्टी भी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के बयान के बाद घिरती नजर आ रही है। लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। भारत में भूखे लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत में रोजाना 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि भारत में अरबपतियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आतिशी के इस बयान को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि विदेश में जाकर झूठे आंकड़े पेश कर देश को बदनाम करने वाली आतिशी को देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी के पलटवार से तिलमिलाए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली है। संजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपने भाषण का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत माता की जय लगाकर देश को बेचने वाले लोग भारत माता की जय ना लगा सकते, इससे सावधान रहना। बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। ये ऐसी ही नक्काल और मक्कार लोग हैं। इसके साथ ही संजय सिंह ने आगे कहा कि राम मंदिर के नाम पर गांव-गांव से चंदा लेते हैं, मैंने उस चंदे की सच्चाई खोली थी। उन्होंने 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद कर 16 करोड़ का फ्रॉड किया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह राम मंदिर पर बीजेपी को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी है, और जिस पार्टी ने राम मंदिर की लड़ाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था, आज उसी के साथ संजय सिंह और उनकी पार्टी खड़ी है। और राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने और अपनी सरकार की कुर्बानी देने वाली बीजेपी को संजय सिंह ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि देश के लोग सब जानते हैं कि कौन प्रभु राम के साथ है और कौन नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ केजरीवाल बुरी तरह हारते दिख रहे हैं। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्षी नेताओं से समर्थन की अपील कर रहे हैं, और केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। लेकिन केजरीवाल के अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। मोदी सरकार को रोकना केजरीवाल के लिए असंभव जैसा है, लेकिन फिर भी केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर अपने समर्थकों को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो आपके लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हल्ला मचा रही आपको कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी जिस विपक्षी एकता के बहाने कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, उसे एक बार फिर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का हाल ही में एक बयान सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस ने आप पर हमला बोला है। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज का ये बयान उस वक्त सामने आया
जब एक तरफ पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और राज्यसभा में इसे रोकने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। कांग्रेस से भी इस मुद्दे पर बातचीत के लिए केजरीवाल ने समय भी मांगा है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने मिलने का समय नहीं दिया है, लेकिन अब जिस तरह का बयान सौरभ भारद्वाज की तरफ से आया है उससे दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज के इस बयान के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारे यहाँ लेन देन का चलन नहीं है, हम माप तौल की बात नहीं करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं, संविधान बचाने का काम करते हैं। सौरभ भारद्वाज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कर्नाटक में उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं, इसलिए वो निराश हो गए हैं और ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं। हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस और आपके बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग काफी कुछ इशारा करती है। खबर के मुताबिक सूत्रों की माने तो केजरीवाल ने कांग्रेस से मुलाकात का जो समय मांगा था उसमें अब काफी वक्त बीत चुका है। कांग्रेस की तरफ से अब तक साथ आने को लेकर कोई इशारा भी आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपकी तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल एंड कंपनी कांग्रेस से समर्थन लेने के लिए बेचैन है, लेकिन कांग्रेस भाव ही नहीं दे रही है। केजरीवाल जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे और उसे भ्रष्ट बताते थे, आज उसी से हाथ मिलाने के लिए बेचैन है। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस और सभी विपक्षी दल बहुत अधिक उत्साहित है, लेकिन सभी विपक्षी दलों की भूमिका एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी है। सभी दलों की केंद्र की सत्ता से अपनी लालसा बनी हुई है। सभी दल चाहते हैं कि अगर केंद्र में विपक्षी सत्ता आती है तो सत्ता की सबसे अधिक मलाई उन्हें ही खाने को मिले, लेकिन समस्या ये है कि विपक्षी एकता की डगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए विरोध बाहरी ही नहीं भीतरी भी है। सबसे अधिक ये विरोध कांग्रेस में हो रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का तमगा समेटे ये पार्टी समकालीन राजनीति में अपने वर्चस्व को बनाने की जंग लड़ रही है। विपक्षी एकता में सम्मिलित होने के लिए ललायत कांग्रेस का आंतरिक विरोध होने लगा है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी एकता और कांग्रेस को लेकर स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। अपने इस ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगाई जा रही शर्तों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी लिखा है कि विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। गौरतलब है कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो विपक्ष की बैठक को लेकर तारीख पर तारीख का ऐलान किए जा रहे हैं। वहीं कई दल ऐसे हैं जो विपक्षी एकता का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त लाद रखी है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि आप कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं यूपी छोड़ दो, ममता बनर्जी कहती है बंगाल छोड़ दो, केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, जगन रेड्डी चाहते हैं आंध्रा छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, किसी दिन शरद पवार कहेंगे कि महाराष्ट्र छोड़ दो। इसके आगे प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि यह विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। अपने इस ट्वीट में आचार्य प्रमोद ने सभी प्रमुख नेताओं को टैग किया है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया है। गौरतलब है कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को विपक्ष की बैठक बुलाई है। इसको लेकर ममता बनर्जी के सुर भी लगातार बदल रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता बनती है तो इससे कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को विपक्ष के क्षेत्रीय दलों के लिए सीटें छोड़नी होगी। ऐसे में कांग्रेस के नेता दूसरे दलों की ओर रुख कर सकते हैं। कांग्रेस को अभी बीजेपी को हराने के लिए एकमात्र विपक्षी एकता का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी पूरा हो सकता है, और इस बात का एहसास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मोदी से मुकाबला करने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के सामने सरेंडर कर दिया है। ये आरोप कांग्रेस के नेता ही लगा रहे हैं। दरअसल 23 जून के लिए पटना तैयार हो रहा है। सभी विपक्षी दल शायद नया कपड़ा सिलाना भी शुरू कर दिया है।
मन में महत्वाकांक्षा की उम्मीद पाले विरोधाभास को मन में दबाकर सभी लोग लोकतंत्र की उदय भूमि पर पहुंचने को तैयार है। कांग्रेस भी समीकरण लगा रही है कि क्या विपक्षी एकता में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे या टोकन प्रतिनिधि भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। कांग्रेस अभी विपक्षी एकता की बैठक में अपने प्रतिभाग को लेकर उधेर बुन में लगी थी कि तब तक बिहार कांग्रेस से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ गई। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र की सरकार से बीजेपी को बेदखल करने के लिए 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में महाबैठक होने वाली है। इसके पहले विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में नीतीश के नेतृत्व पर बगावत हो गई है। पार्टी के बिहार प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने सरकार और विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में सियासत लगातार करवट ले रही है। महागठबंधन के घटक दलों के नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार को झटका दे रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार से अलग हो गई और अब कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया और पार्टी उन्हें तरजीह दे रही है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि मैं बिहार में पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। जब मैं पार्टी ज्वाइन किया तो कांग्रेस विपक्ष में थी। हमें उम्मीद थी कि जब सत्ता में आएगी तो बिहार की जनता की बेहतरी के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो उन लोगों के साथ है जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। कुंतल ने यहां तक कह दिया कि जो लोग जीवन भर कांग्रेस पार्टी का विरोध करते आए वही आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लीडर बने हुए हैं। अब वही लोग आगे भी हमारा नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे कांग्रेस का मेरे जैसा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में घमासान मच गया है। आप भी सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा है। आज के दिन में भारत में राजनीति की सिर्फ दो धुरी है। एक धुरी है जो सत्ता में है और दूसरी धुरी है सत्ता वाली धुरी के विपक्ष में एक धुरी जिसके केंद्र में कांग्रेस है। विपक्ष की किसी भी धुरी की बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही करना चाहिए। एक व्यक्ति जिन्हें एक स्टेट दिया गया चलाने के लिए, जो ठीक से स्टेट को भी नहीं चला रहे हैं, वो एक षड्यंत्र की तरह अपने आप को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस धुरी का नेता स्थापित करने पे लगे हुए हैं। और उनके साथ ही जिनके पास एक लोकसभा का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक षड्यंत्र की तरह उस हाशिए पे खड़ा कर दिया गया है जहां हमारे राजनीतिक साथी बिहार में कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप हमारे सामने खड़े रहें चुपचाप और हम आपके सीने में छुरा घोपेंगे, और कांग्रेस बेचारी चुपचाप खड़ी है। मैं अपना इस्तीफा इसी स्थिति के प्रतिकार में दे रहा हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को मैंने बिहार में कांग्रेस की स्थिति के विषय में विस्तार से बताया है और मेरा इस्तीफा एक राजनीतिक कुर्बानी है। इस आस में मैंने राजनीतिक कुर्बानी दी है कि शायद मेरी इस कुर्बानी की आवाज कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंचे और बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर ध्यान दे और मेरे जैसे करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन की भावना समझे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।